तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सूजी के इंस्टेंट ढोकला और साथ ही मूंगफली की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है पहली बार में ही आप इसे परफेक्ट बना सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की नई रेसिपी सूजी का ढोकला बनाने के लिए हम ले लेंगे वन कप सूजी ये बारीक वाली सूजी है और साथ ही वन कप खट्टा दही मिला लेंगे और इसमें वन कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे बिल्कुल भी लम्ब ना रहे ऐसे मिक्स करना है तो ये मिक्स हो गया है अब हम इसे पंद्रह से बीस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और साइड में हम एक कढ़ाई में पानी रख देंगे फ्रीट होने के लिए आपके पास अगर ढोकले का कुकर है तो वो भी रख सकते हैं या फिर कोई बड़ा पतीला भी ले सकते हैं अंदर इस तरह का को कोई भी वायर स्टैंड रख दे या कटोरी या प्लेट रख दे और उसमें पानी डाल दे इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख लेंगे 15-20 मिनट बाद हम सूजी को चेक कर लेंगे तो देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है और अच्छे से बैटर तैयार हो गया है अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे अब हम ढोकला रखने के लिए थाली ले लेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से तो मैं दो थाली ले रही हूँ एक छोटी और एक बड़ी और उसे इस तरह से ग्रीस कर लेंगे अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है पानी भी देखिए गरम हो चुका है तो अब हम इसमें ढोकला बनाने के लिए रख लेंगे तो उसके लिए हम बैटर में एक पाउच इनो का डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें याद रखें ये इनो का पाउच जब हम बैटर ढोकला बनाने के लिए रखते हैं तभी डालें अब इसके अंदर मैं छोटी वाली प्लेट रख दूंगी। और उसके अंदर ये बैटर डाल दूंगी। आप चाहे तो इसके ऊपर मसाला भी छिड़क सकते हैं मिर्ची या चाट मसाला या काली मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हैं अब इसके ऊपर मैं बड़ी वाली प्लेट रख लूंगी जिसे हमने ऑयल से ग्रीस किया था और उसमें हम बैटर डाल देंगे इसके ऊपर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर छिड़क दूंगी। एक प्लेट को मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं मिर्ची इसलिए आप भी अगर नहीं चाहें तो स्किप कर सकते हैं अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख लेंगे शुरू के पाँच मिनट हमें गैस की फ़्लेम को फुल रखना है और पाँच मिनट बाद हमें फ्लेम को स्लो कर देना है अब साइड में मैं मूफली की चटनी बना लूंगी तो उसके लिए मैं वन फोर्थ कप मूंगफली ले रही हूँ और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके छिलके निकाल लेंगे अब हम मिक्सी के जार में छिली हुई मूंगफली डाल देंगे आठ से दस हम लहसुन की कलियां डाल देंगे और सूखी हुई लाल मिर्च को मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसी का पानी हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे अब तो दो टेबल स्पून जितना हम इसमें दही डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे आधी चम्मच हम इसमें चीनी मिला लेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तो देखिए हमारी चटनी रेडी है बहुत ही प्यारा कलर आया है इसके साथ ढोकला और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो इसे हम साइड में रख लेंगे और ढोकला चेक कर लेंगे कि बने हैं या नहीं तो ये अच्छे से कुक हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे तो सबसे पहले हम इसमें तीन चार टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और वन टेबल स्पून राई डाल देंगे तड़का के लिए एक टेबल स्पून व्हाइट तिल डाल देंगे हम इसमें और दो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बड़ा काट के डाल दिया है और थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे अब इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे तो तैयार है हमारा तड़का इसे हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे आप अगर कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो ढोकले बिना तड़के के भी अच्छे लगते हैं गरम गरम तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं तो तड़के को हम अच्छे से ढोकले के ऊपर फैला देंगे और इसे धनिया से हम गार्निश कर लेंगे अब हम नाइफ से इसे कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगते हैं ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें तो देखिए मैं आपको ये ढोकले निकाल के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा टेस्टी और टैमडिंग लग रहे हैं इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इसे मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करेंगे आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं